पटाका। पटाका अरे पटाका नहीं होता, पताका होता है। बताका, किसने बोला? पटाका, प्री पताका। प्री पटाका, फिर देखो आगे गई आपकी फिंगर, मैम का पीछे से मिला हुआ है। ऐसे यस, आप आगे कर लेते हो, ऐसे कर लेते हो, ऐसे 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 उसको डिप ऐसे कर लेती है। उसको डिप नहीं करना है, उसको बैक ही रखना है। तो बैक करना है यार, पीछे से ये देखो एक साथ। हाँ नहीं ऐसे भी नहीं बेटा। या फिंगर टाइट रखो। ओके, अब देखो वन जॉइंट ये है, वन जॉइंट ये है, वन जॉइंट ये है, ठीक है। थ्री है ना इसके, तो टू को यस, नीचे कर दो। ये होना चाहिए नहीं, तीसरा पीछे होना चाहिए। देखो मैम का हाथ पीछे से एक साथ है, एक लाइन में है। क्या? ओके मैम, पहले बनाओ फिर। ऐसे हाँ त्रि पताका हाँ एंड अर्ध पताका इसको बना देते हैं। अर्ध पताका कैसे बना देते हैं? अर्ध पताका में तो ये दोनों फिंगर्स है ना डाउन। ऐसा होता है क्या? अर्ध पाम शुड बी, पाम इज योर बेस, पताका ऐसे होता है। यू नो पाम इज योर बेस, इट्स अ पिलर। अच्छा, सपेला क्या होता है? अच्छा, पिलर पिलर, इट्स अ पिलर, मुझे सपेला। पिलर इज योर बेस। ओके, तो पताका, पताका, पटाका नहीं बोलते, पताका। मैंने यही तो बोला, पताका, हाँ, त्रि पताका, त्रि पताका, अर्ध पताका, अर्ध कर्तरी मुखा। पताका, कर्तरी मुखा, हाँ नयन भी दिखाते हैं ऐसे, पता है तुम्हें, आईज कर्तरी मूड मुखा, लाइज ऐसे करके, और सीजर भी दिखा देते हैं, मैं काट दूंगी तुमको ऐसे, ठीक है। सो फर्स्ट इज फिंगर्स नेम बोलो। अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, अभी हमने सीखा हस्तप्रचार, उत्तल, अधोलोम, अधोस्तल, प्रिया, अर्धा, उद्वा, उद्वा, उध्वा, अधोमुखा। उध्वा, अधोमुखा, हाँ थोड़ा सा फेस तो दिखा, पताका, स्त्री फेस तो दिखा। पताका, अर्ध पताका, कर्तरी मुखा, मर्तरी, ए मर्तरी नहीं होता, मयूर आख्यो, अर्धचंद्रश। क्यों अर्धे अराला, अराधा। आराधा नहीं, अराल। अच्छा, अराला तुक तुंड है। कहा, अच्छा, दुटकंटुंग कहा, दुतुक तुंड कहा नहीं होता, शुक दुट शुक दुख, दुख नहीं, शुक। शक कहा। वेरी गुड, मुझे पता है तुम ना मजाक करती रहती है मुझसे, और कुछ नहीं है, आई नो दैट। ओके, फाइव पोजिशंस और दो। फाइव पोजिशन, फाइव पोजिशन। पोजीशन? ओके, और खोलना है। वेरी गुड, वाह नाइस। और नमस्कार क्रिया। नमस्कार क्रिया, मतलब उसका पहले मतलब समझाओ फिर करके दिखाओ। मतलब समझाओ। ठीक है, नमस्कार का मतलब ये होता है, ए आप अपना फेस तो पूरा धरती में क्या? दिखाओ, आप फेस तो पूरा दिखाओ अपना। आप बोलो। नमस्कार का मतलब ये होता है, ए धरती माँ, जिस धरती पर समुंदर है और पर्वत है, आज मैं उसी धरती को स्टैम्प करने जा रही हूँ, तो इसलिए मुझे क्षमा करना, और जो मेरी परफॉर्मेंस है उसके लिए मुझे ब्लेसिंग देना। वेरी गुड, नाउ करके दिखाओ। ओके।
मुझे पूरे तो दिख नहीं रहे हो आप। थोड़ा सा पीछे और हो जाओ, नेक नहीं दिख रहा है आपका। हाँ अब ठीक है। ओके नाउ नमस्कार टू मैम। ओके मैम को भी नमस्कार कर देते हैं दूर से। ओके ठीक है। सो नाउ दिस इज योर फाइव एसेंशियल लर्निंग इज कंप्लीट सिया। ओके पांच जो आपकी आपकी जो नमस्कार क्रिया वाली लर्निंग थी वो खत्म। हमने कौन कौन सी मुद्राएं यूज की नमस्कार में? कटका, शिखरा, पताका, चतुरा, अंजलि। ओह वाव, वेरी गुड, क्लैप फॉर सिया, वेरी नाइस। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट तट अडव। तट मींस टू स्ट्राइक। क्या होता है? हाँ वही मैं बता रही हूँ सिया। तट मींस टू स्ट्राइक और स्टैम्प। जोर से हमें स्टैम्प करना होता है जमीन पे विद द काउंट। ओके मैम स्टैम्प तो मुझे पता, लेकिन स्ट्राइक क्या होता है? सेम, स्ट्राइक मींस आपको एकदम से हिट करना है। हाँ द सेम थिंग, स्टैम्प और स्ट्राइक। ओके ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न तट अडव। तट मींस टू हाँ, और उसके बाद जब हम सीखेंगे तो नाट्य मींस होता है स्ट्रेच। तो नाट्य मींस क्या होता है? नाट्य मींस होता है स्ट्रेच। नाट्य मींस स्ट्रेच होता है? नहीं ऐसे वाला स्ट्रेच नहीं होता, हमें पैर को स्ट्रेच करना होता है ऐसे। हाँ ऐसे स्ट्रेच करना होता है। इससे अच्छा तो यही है, इससे अच्छा तो यही है यार, कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है अब हम शुरू करें क्या ताटाडा? मैं ये भी करती हूँ अपनी जिम्नास्टिक क्लास में। ओ चलो अब हम करें ताटाडा। यस खड़े हो जाओ। Okay. So now we have to take a position of आयतम। Yes. हाँ किया था सिया ने पहले, मैम आपने कराया। हाँ तो हाथ को ठीक से रखना है। हाथ पीछे कौन सी मुद्रा में रखना है? वेरी गुड, मुद्रा कौन सी है ये? कौन सी मुद्रा है ये? नहीं अधोमुखा तो ठीक है, आपका प्रचार हुआ ये। अर्धचंद्र, अर्धचंद्र हाँ ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न तट अडव। तट अडव को करने के लिए आप इधर आओ, मेरे पास आओ, एक बार ही सामने आओ, मैं आपको बताती हूँ। सुनो मेरी बात तो सुनो, पास में आओ। अब मुझे जरा फेस दिखाओ, मुझे तुम्हारी आईज तो दिखती नहीं है तो मैं कैसे बताऊंगी कि तो उनको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके नाउ तट अडव को हम करेंगे एट बीट्स के अंदर। ठीक है एट बीट, वन बीट के अंदर मतलब एट एट एट। ओके ठीक है फोर टाइम राइट फोर टाइम लेफ्ट, हाँ पर ऑल्टरनेट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। अंडरस्टूड? आज हम विलंबित लय में करेंगे, स्लो स्पीड। विलंबित लय में क्या होता है? स्लो स्लो स्पीड में। ठीक है सो शैल वी स्टार्ट? यस यस गो गो एंड स्टैंड इन आयतम। या पुट योर हैंड्स, और बीच में गैप नहीं होना चाहिए पैरों के, पैरों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। यस टू फिंगर का भी वो अपने आप से आ जाएगा, आपको पहले प्लेस करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है नाउ बेंड डाउन इन आयतम, बेंड इन आयतम और अर्धमंडलम, बेंड डाउन। ये स्टैम्प वन राइट वन उठा के, टू थ्री Three. Four.
5 6 7 7 8 8. अब देखना कितना सारा गैप हो गया आपके पैरों में. नहीं, तुम तो बेईमानी. वन हैंड नहीं है, अभी तो इतना सारा गैप हो गया था. मैं अगर 8 काउंट्स और करती थी तो तुम गिर जाती फिर, पता है. सो बीच में गैप नहीं रखना, गैप बीच का गैप खत्म नहीं करना है सिया. ओके, गैप को मतलब गैप ज्यादा नहीं लेना है. ओके, ठीक है. गैप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. इफ वी आर सेइंग टू फिंगर्स, इट मींस कि टू फिंगर्स पे ही हमें स्टैम्प करना. एक बार फिर से करें. विल यू ट्राई? गो वन स्टैम्प स्टार्ट. देखो फिर कितना गैप है. हाँ, 1 2 3 4 5 6 7. ये क्या था? ये क्या हुआ सिया? एक बार और चलो. देखो गिर बैलेंस बना के. ओके ओके स्टार्ट. धलांग तक दिखो तक तदि गिण तुम. 1 2 1 2 3 4 5 6. अब तुम जानबूझ के कर रहे हो. 6 7 8. काउंटिंग गड़बड़ हो गई तुम्हारी खेल खेल में. देखो सिया, एक बात का ध्यान रखना है. मेरी बात सुनो गौर से. हमें हाँ गौर से मतलब ध्यान से. ओके, आपको जब भी हम दूर दूर है ना हम जब भी स्टेप करना शुरू करते हैं, अडवूज करना शुरू करते हैं, डांस करना शुरू करते हैं, तो वी हैव टू रिमेम्बर फॉर आर सेफ्टी मेजर्स ऑल्सो. ओके, अगर हम ऊट पटांग इधर उधर कुछ भी बैलेंस बनाएंगे तो हम गिर सकते हैं और गिरने में हमें चोट भी लग सकती है. सो हमेशा बैलेंस बना के रखना है. अगर थक जाओ तो मैम को बता सकते हो कि मैम आई एम टायर्ड नाउ. ओके, समझ आया? ठीक है. सो आज की लर्निंग जो है आपको आ गई. उत्तल अधोस्तल त्रिया उद्वा अधोमुखा. ठीक है, उत्तल अधोस्तल त्रिया अद्वा उद्वा 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 अधोमुखा. वेरी गुड. पताका पताका स्त्री पताका अर्ध पताका कर्तरी मुखा एंड दिस मयूराख्यो मयूराख्यो अर्धचंद्रश्च अर्धचंद्रत ठीक है. ए ऐसे थोड़े ना फेस बनाना. ठीक है, हाँ इनको आपको आज याद रखना है. ठीक, इसको तो ये हमारा पताका है और इसको तर्जनी को ये जो हमारा बेंट है, ये वाला बेंट, इसको आगे नहीं लाना. उसको आगे नहीं लाना है. सो यहां से ये हुआ और ये वाली बेंट, मतलब जो भी फिंगर हम बेंट करते हैं वो यहां से एक लाइन में रहता है. यू आर नॉट दे आर नॉट सपोज टू डू लाइक दिस बिकॉज ये होते ही ऐसे हो जाएगा. सो सिया आज इसका प्रैक्टिस करना. ओके, ये वाला वीडियो तो हाँ हाँ दिस इज या ओके. ठीक है सिया, आज ये याद करना है. देन सैटरडे संडे वाली क्लास आपको करनी है. ठीक, ओके मैम. मैं इसकी संडे वाली क्लास करूंगी. किसकी?
आज प्रैक्टिस करेगी? वेरी गुड, आज प्रैक्टिस करनी है, और अगर हो सके तो मुझे वीडियो बना के भेज देना। अंगुष्ठा तर्जनी से लेके उत्तल अधोस्तल त्रिया उद्वा अधोमुखा फिर पताक त्रिपताक अर्धपताक जितने आपको याद हो जाए उतने आपने मुझे भेज दें। वो नमस्कार वाला वीडियो का मैम क्या हुआ फिर? मैंने डाल दिया उस पे फेसबुक पे। अच्छा। हाँ ओके, मैं को पता नहीं चला। I will share. Okay, I will share the link. ऐसे वीडियो बनाने कि जिसमें नमस्कार भी हो, फिंगर्स नेम्स भी हो, उत्तल और दूस्तल भी हो, सब एक ही वीडियो में हो। ओह, वो तो और भी अच्छा है। पता है? Yeah. Okay, बेटा. Do your नमस्कार now and प्रणाम करो, गुड नाइट करो मैम को। वेरी गुड, ओके, बाय बाय, बाय रुचि, बाय।